रहबरे तालीम टीचर्स को लेकर पहले स्कूल एजुकेशन विभाग ने एक चिट्ठी निकाली, जिस चिट्ठी में यह कहा कि जितने भी रहबरे तालीम टीचर्स अलग अलग जगह पर ट्रांसफर किए गए हैं, वो जब तक अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर वापस नहीं जाते तब तक उन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। उसका नतीजा यह निकला कि कई सारे जो लोग थे जिनका ये कहना था कि कई जगहों पर देखने को मिलता है कि गांव देहात जिन इलाकों से इन आरटी टीचर्स को सिलेक्ट किया गया था, अपॉइंट किया गया था, वो उन इलाकों में सर्व नहीं कर रहे। उन्होंने जो है उन्हें इस बात की खुशी हुई कि कम से कम अभी टीचर्स वापस उन्हीं इलाकों में आकर पढ़ाएंगे, लेकिन उसको लेकर फिर कंफ्यूजन इस बात पर बना हुआ था कि क्या इस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन केवल जम्मू डिवीजन में होगी, कश्मीर घाटी में नहीं। इसको लेकर जो है सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बीके सिंह से जब स्ट्रेट लाइन ने बात की तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि फिलहाल इस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन जम्मू डिवीजन से शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कश्मीर डिवीजन में इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया ही नहीं जाएगा। उनका यह कहना है क्योंकि जेएनके के विंटर जोन में अभी एकेडमिक सेशन चल रहा है, उसके चलते लगभग 2.5 महीने के लिए इस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन को पोस्टपोन किया जाएगा ताकि एकेडमिक सेशन डिसरप्ट ना हो, लेकिन नवंबर के महीने से कश्मीर में भी इस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। यानी कि वो रहबरे तालीम टीचर जो अलग अलग ग्राउंड्स पर अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर किए गए हैं, वो भी अपनी तनख्वाह तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक वो अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर वापस नहीं चले जाते। लेकिन उसको लेकर हमने भी जब सवाल पूछा इस बात पर कि कई सारे रहबरी तालीम टीचर्स वो हैं जिन्होंने कोर्ट के थ्रू ट्रांसफर ऑर्डर लिया है, तो उस पर भी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बीके सिंह का यह कहना था कि कोर्ट के थ्रू भी अगर किसी को किसी की ट्रांसफर हुई है तो वो ट्रांसफर भी टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती। आप परमानेंटली किसी और जगह पर अपनी पोस्टिंग नहीं करवा सकते क्योंकि जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं इस रहबरे तालीम स्कीम जिस समय बनाई गई थी तो रिक्रूटमेंट रूल्स ही इस तरीके के फ्रेम किए गए थे जिसके तहत ये जॉब्स लोकलाइज थी। जिस गांव से आप सिलेक्ट हुए हैं, जिस गांव की वजह से आप अपॉइंट हुए हैं, आपको उस गांव में सर्व करना है, आपको इस इलाके में सर्व करना है। और ये कहा गया था कि ये जो ऑर्डर निकाला गया है ये ऑर्डर सुपरसीड करता है पिछले सभी ऑर्डर्स को जिन ऑर्डर्स में ट्रांसफर की गई हो आरईटी टीचर्स की अलग अलग ग्राउंड्स पर, किसी भी रीजन की वजह से अगर उन्हें किसी और जगह पर भेजा गया है उन सभी ऑर्डर्स को ये ऑर्डर सुपरसीड करता है। वहीं जब ये कहा गया कि कई जगहों पर जो आरईटी टीचर्स हैं उन्हें हेल्थ ग्राउंड पर जो है ट्रांसफर किया गया, सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर ट्रांसफर किया गया, मैरिज ग्राउंड्स पर ट्रांसफर किया गया, तो उसको लेकर भी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बीके सिंह का ये कहना था कि अभी ड्राफ्ट रूल्स फ्रेम किए जा रहे हैं, एक ट्रांसफर पॉलिसी मुकम्मल तौर पर ये ग्रेड टू ग्रेड थ्री रहबरे तालीम टीचर्स के लिए लाई जाएगी, जब ड्राफ्ट रूल्स प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद वो ड्राफ्ट रूल्स जो है सरकार के पास जाएंगे, सरकार उस पर अपनी मोहर लगाएगी, उसके बाद जाकर वो ट्रांसफर पॉलिसी भी पब्लिक डोमेन में आएगी जिसमें इन्हीं ग्राउंड्स को कंसिडर किया जाएगा कि मैरिज ग्राउंड्स पर क्या ट्रांसफर करना बनता है, सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर, या किस तरीके से इस पूरे ट्रांसफर की पॉलिसी को रेगुलराइज किया जा सकता है। लेकिन उनका यह कहना था कि फिलहाल ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर जाना जो है वो अनिवार्य होगा क्योंकि जो कानून है वो यही कहता है कि कानून में ट्रांसफर की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ये जो पोस्ट ही क्रिएट की गई थी जिसमें रहबरे तालीम टीचर्स को रेगुलराइज किया गया था तो रेगुलराइज इन्हें उन्हीं इलाकों में किया गया था जिन इलाकों से इन्हें अपॉइंट किया गया था, तो ट्रांसफर की तो गुंजाइश ही नहीं बनती। उसके साथ में उनका यह भी कहना था कि सिक्योरिटी ग्राउंड और मैरिज ग्राउंड एक वैलिड ग्राउंड समझे जा सकते हैं, लेकिन जिस समय सरकार ये स्कीम बना रही थी उस समय सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था, इनिशियल लेवल पे ये सोचना चाहिए था कि इस ग्राउंड के चलते जो है क्या ट्रांसफर अलाउ की जानी चाहिए। फिलहाल जो है ट्रांसफर पॉलिसी बनने में 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है, ऐसा सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन बीके सिंह का कहना है। और उसके साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ये जो चिट्ठी निकाली गई है जिसमें कहा गया है कि जितने भी रहबरे तालीम टीचर्स फिलहाल जम्मू डिवीजन में काम कर रहे हैं उन्हें जो है वापस अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर जाना पड़ेगा, कश्मीर में भी ऑर्डर इंप्लीमेंट जरूर होगा, लेकिन उसको लेकर उनका ये कहना था कि फिलहाल एकेडमिक सेशन को ख्याल को ध्यान में रखते हुए एकदम से बच्चों के एकेडमिक सेशन को जो है डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन इसकी कश्मीर घाटी में भी होगी। जिस समय कल ये स्टोरी हमने स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक की और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि सरकार ये कह रही है कि आपको तनख्वाह तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर वापस नहीं जाते, तो कश्मीर घाटी से ही कई सारे लोगों ने कहा कि कई रहबरे तालीम टीचर्स ग्रेड टू ग्रेड थ्री टीचर्स वो भी है जो अलग अलग सिफारिशों की वजह से एक लंबे समय तक किसी और जगह पर ट्रांसफर होकर वहीं पर काम कर रहे हैं, जिस गांव जिस देहात से उन्हें इलेक्ट किया गया उन्हें अपॉइंट किया गया है
उन जगहों पर वो वापस जाकर काम करके राजी नहीं, तो ये कहा गया है कि नवंबर के महीने तक, हो सकता है तब तक एक ट्रांसफर पॉलिसी भी जो है वो फॉर्मलाइज हो जाए, और ट्रांसफर पॉलिसी बन जाने के बाद फिर देखा जाएगा कि कश्मीर घाटी में किस तरीके से रहबरे तालीम टीचर्स की ट्रांसफर्स को देखा जाता है। जम्मू डिवीजन में तो जो रहबरे तालीम टीचर्स हैं उन्हें अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर वापस भेज दिया जाएगा। फिर एक महीना लगेगा लगभग इन ट्रांसफर पॉलिसी को बनने में, और ढाई महीने का समय दिया गया है कश्मीर घाटी में ताकि एकेडमिक सेशन खत्म हो तो उसके बाद जाकर टीचर्स की ट्रांसफर हो सके। तो जब तक कश्मीर में इस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन का समय आएगा तब तक तो उम्मीद यही कर रहा है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तब तक तो ट्रांसफर पॉलिसी बन ही जाए, और उसके बाद फिर केस बाय केस बेसिस पर देखकर ट्रांसफर जो है वो की जा सकेंगी। देखना ये होगा कि आने वाले समय में कि रहबरे तालीम टीचर्स की ट्रांसफर में आखिर होता क्या है, और जम्मू डिवीजन में ही सही क्या इसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है।